नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। ये एक वीडियोस की सीरीज चल रही है जिसमें हम स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक राय मेरी सभी महिलाओं को, ये एक रिकमेंडेशन है ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए, तथा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज अगर किसी महिला को होता है तो इलाज जल्दी शुरू किया जा सके उसके लिए। ये एक रिकमेंडेशन है जो पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है। रिकमेंडेशन है 40 वर्ष की उम्र के बाद हर महिला को हर साल एक दोनों स्तन का मैमोग्राम जरूर करवाना चाहिए। मैमोग्राम के बारे में हम बात करें, मैमोग्राम जो टर्म है उसमें दो जांचें आती हैं। पहला है एक्सरे मैमोग्राम, उसमें दो अलग अलग व्यूज में ब्रेस्ट को पर्टिकुलर पोजीशन में रखकर एक स्पेशल एक्सरे लिया जाता है जिसको हम एक्सरे मैमोग्राम कहते हैं। ये एक्सरे मैमोग्राम करने के पश्चात रेडियोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उसमें जो एक्सरे में जो फाइंडिंग्स दिख रही हैं, कोई गांठ अगर दिख रही है तो अल्ट्रासाउंड में भी दिख रही है या नहीं दिख रही है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर कंपेयर करके फिर उस मैमोग्राम को रिपोर्ट किया जाता है। इसे हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम कहते हैं। स्क्रीनिंग से मेरा मतलब है स्क्रीनिंग 40 साल की उम्र से ऊपर की महिलाओं की, क्योंकि इस उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। सो उन महिलाओं की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए जो भी 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, जिससे अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर है तो वो अर्ली स्टेज में जल्दी पकड़ में आ सके। अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट से ठीक होने का चांस ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच सकता है। सो 40 साल से उम्र की या उससे बड़ी सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लें, उनसे बातचीत करें। हमारा रिकमेंडेशन है कि 40 साल के बाद हर साल एनुअली आपको एक दोनों ब्रेस्ट का मैमोग्राम ज़रूर कराना चाहिए। इससे ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ में आ सकता है तथा उसके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स 100% तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।